दोनों टीम पे एक बहुत विफलते हुए और सभी उनके नियमित जो स्टार्स हैं स्ट्राइकर के लिए अब सबसे बड़ा अग्री परीक्षा की दौर है। यहाँ से सेमीफाइनल के राउंड में जाने का सवाल है और पहला स्ट्राइक लेने के लिए सिल्वा या सीट नंबर 5 विदेशी मूल के खिलाड़ी रेड्स यूनाइटेड संथाल परगना की तरफ से पहला स्ट्राइक लिया जाएगा और वो गोलकीपर है रेमन लाका। बहुत ही सुंदर लाजवाब और इस तरह से खाता खुल चुका है संथाल परगना टीम का और उसके गलत बदलाव यानी कि शायद यहाँ पर विपक्षी गोलकीपर को थोड़ा सा चिढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और इस वजह से मैच रेफरी येलो कार्ड दिखा दिया है और बिरसा मुंडा एफ से रांची की टीम की तरफ से भी जर्सी नंबर 5 पहने हुए खिलाड़ी इजराइल पहला स्ट्राइक लेने के लिए और इस खिलाड़ी का खास संकेत है काफी दूर से वो मैडम को बनाते हैं आने गलती आना यार नती रही क्यों यार कैसे वीडियो बना बड़ा क्या देखो 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 और देखिए उनका इशारा देखिए यही तो इस खिलाड़ी का ये आना है इस खिलाड़ी का पहचान है। हाल फिलहाल में जो कोलेबरा में जो टूर्नामेंट हुआ था वहाँ भी उसी तरीके का इस खिलाड़ी से प्रदर्शन देखने को मिला था। आज सार्जोमबेडा फुटबॉल चैंपियनशिप में भी बहुत ही अच्छा रोल निभाया है अभी तक इजराइल ने। फ्रेंड्स यूनाइटेड संथाल परगना का सेकंड शॉट जर्सी नंबर 12 उस्मान सब खेला है लेकिन इस बार गोलकीपर का कमाल रेवन लगा संधान से भी यहाँ पर निकालते हुए और इस तरह से संधान पे का टीम का ये सेकंड शॉट मिस हो गया है। भगवान का है बड़ी बेहतरीन बच्चा हो गोलकीपर रेवन लगा होते तभी जब बना ये तेरों ने वहाँ में थे बिरसा मुंडा एफ सी रांची की लीड बना लगे एक बड़ा मौका भी जाने का अगर उन्होंने सेकंड शॉट लगे खिलाड़ी को सेने रखा वह टूर्नामेंट ट्रेन हाईस्ट स्कोर ये थबी ने अगया जब तक कोई जल्दी गोल स्कोर करा था 5 गोल के साथ होती का गोल के बहुत ही सुंदर गोलकीपर को चकमा देते हुए गोलकीपर पाए और निकल गए और गोलकीपर पे मोमेंट को पहले ही फर्क लिया था वहाँ ओटी ने और ओटी का बहुत ही कूल माइंड से खेलते हैं ये खिलाड़ी और जब भी गोल करते हैं वो ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं बहुत ही इत्मीनान बस वो अपना खुशी को जाहिर करते हैं। इशारा शॉट लगी अजय हंसता फ्रेंड्स यूनाइटेड संथाल परगना की चेक हुई तीसरा शॉट लगी मारना लगा है ना मारना लगा है ना बोलो तो क्या ना वहाँ आया सर आर्मी आ रही है तीन में के तीन में वहाँ रह सकता है यहाँ रह सकता है ये गर्मा रह सकता है जैसे तो बता और बहुत ही सुंदर कमाल का ये गोल गोल की पर को वहां तक कोई ऑप्शन ही नहीं दिया कि वो उस बॉल तक पहुंच सके। स्कोर लाइन फिर से मैं दोहरा दूं फ्रेंड्स यूनाइटेड संथाल परगना 3 में 2 गोल 1 शॉट मिस हुआ है। बिरसा मुंडा एफसी रांची टीम के तरफ से थर्ड शॉट और देखना है शॉट के लिए रोहन रोहन कसम अरे और बहुत ही सुंदर है
बिरसा मुंडा एफ सी रांची की टीम अभी भी इस मैच में पड़ पर है। दो तीन का अभी तक का परिणाम, लेकिन अब चौथा शॉट के लिए एस यूनाइटेड संथाल परगना टीम की तरफ से चौथे प्लेयर शॉट के लाएंगे। पटवारी सोरेन चौथा शॉट लेने के लिए इस समय स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। और इस तरह से दुर्भाग्यवश पोस्ट से लगकर बॉल बाहर निकल गई है और इस तरह से चार में दो गोल दो शॉट मिस हो गया है। और ये बिरसा मुंडा एफसी रांची टीम के लिए ये डिसीजन बोल हो सकता है। अगर यहाँ गोल लागेंगे तो बिरसा मुंडा एफसी रांची की टीम आज सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरा टीम साबित हो जाएंगे। इससे पहले आज के दिन में एफसी हजारीबाग की टीम फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाले एक लौटे टीम साबित हुए हैं। और अगर यहाँ रांची के टीम अगर उस तरीके से अगर ये 15 नंबर जैसी पहले हुए खिलाड़ी वो लागेंगे तो यहाँ से बिरसा मुंडा एफसी रांची टीम हिस्सा सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे। उपेंद्र शॉट के लायक और बहुत ही सुंदर गोल कीपर को चकमा देते हुए और ये गोल के साथ ही बिरसा मुंडा एफसी रांची की टीम आज इस टूर्नामेंट में प्रथम दिन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे टीम साबित हो गए हैं। और इस तरह से फ्रेंड्स यूनाइटेड संथाल परगना की टीम टूर्नामेंट सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ग्राउंड में कोई भी प्रवेश नहीं करेंगे, दर्शक वृंद से अनुरोध है कृपया करके ग्राउंड के अंदर कोई भी दर्शक नहीं आएंगे।